लेकिन वीरेश, इस पूरे मामले में जो और आरोपी है मोहित खान के अलावा, वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, अब वो किससे जुड़े हुए, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी है, और क्या उनके संपत्तियों की भी जांच की जाएगी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। तो सीएम योगी को आपने सुना इस पूरे प्रकरण के बारे में, वो विधानसभा में अपनी बात रखते हुए। एक बार फिर से वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसके बारे में जरा बताइए, जो और आरोपी हैं वो भी क्या किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, और क्या उनकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी, अगर की जाएगी तो क्या उन पर भी ये बुलडोजर एक्शन होगा? देखिए, बड़ा साफ सा सवाल है और बड़ा साफ सा जवाब है। इस पूरे मामले में जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद एक्शन के लिए ठान लिया है, सदन में बोल दिया है, विपक्ष को घेर लिया है और तमाम लोगों को निलंबित कर दिया है, खुद डीजीपी होम सेक्रेटरी को निर्देशित किया है, तो इसमें अब चींटी भी नहीं बच पाएगी। अगर इस पूरे मामले में अगर वो शामिल भी होगी तो उसे बिल से खींच लाया जाएगा। ये पद्धति रही है योगी आदित्यनाथ की, और ये उनकी भाषा शैली और उनके काम करने का ये तरीका रहा है। तो वो इस पूरे मामले में जो भी होगा उसे छोड़ा तो कतई नहीं जाएगा, क्योंकि अब अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अपने दिल पर ले लिया है और एक्शन उनका शुरू हो गया है और वो भरोसा दे रहे हैं, तो अब इसमें कुछ बचता नहीं है कि एक्शन न हो, क्योंकि अब उनके ऊपर भरोसा यूपी की जनता न करे, पीड़ित के परिवार न करें, और तो किसके ऊपर कर सकता है, क्योंकि इस यूपी की 25 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या के वो सबसे बड़े मुखिया हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में जो भी कसूरवार होगा उस पर एक्शन होगा, और एक्शन में बुलडोजर निहित है। बुलडोजर उससे अलग नहीं है, बुलडोजर एक पार्ट है, एक एक्शन का एक प्रक्रिया है। तो उसमें अगर अनैतिक रूप से घर होगा, दुकान होगा, मकान होगा, संस्थान होगा, तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा जो पक्ष या ऐसा व्यक्ति या ऐसा शख्स ना पेच में आ जाए, ना बुलडोजर की जद में आ जाए जो निर्दोष हो। शासन और प्रशासन को ये बचाना पड़ता है, लोक कल्याणकारी सरकारें होती हैं, जिसकी भी सरकारें हों, चाहे वो पहले विपक्ष में सपा बसपा की सरकारें हों, कांग्रेस की सरकारें हों, सबका ये दावा होता है कि लोक कल्याणकारी सरकारें होती हैं, और सरकारें लोक कल्याण के लिए ही बनती हैं। तो वो लोक कल्याण में कोई निर्दोष ना उसमें मारा जाए, इसका जरूर ध्यान रखें, पर एक्शन ना हो लेकिन जो दोषी हो वो बख्शा भी ना जाए, सरकार की यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए वीरेश, आप नजर बनाए रखें।